सारिदकेल गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आज दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल बीते 6 सितंबर को खूंटी थाना क्षेत्र के सारिदकेल साके टोली निवासी नारायण सिंह मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक नारायण सिंह मुंडा के पुत्र सुनील मुंडा द्वारा खूंटी थाना में एक लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष SIT का गठन किया। बता दें कि SP अमन कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया और उसे कार्रवाई के लिए भेजी गई, जहां से छापेमारी दल द्वारा कार्रवाई करते हुए 9 सितंबर को एक अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी में मंगरा हस्सा उर्फ राय हस्सा पिता मंगा हस्सा ग्राम सारिदकेल साकेट टोली और दूसरा मंगरा पाहन उर्फ पका पाहन पिता लेंगा पाहन ग्राम सारिदकेल सिगिन टोला, ये दोनों ही खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा पूछ जांच के क्रम में अपराधियों ने अपना अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मंगरा हस्सा और मृतक नारायण सिंह मुंडा के बीच खेती को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दरअसल मंगरा मुंडा ने बताया कि नारायण सिंह मुंडा के खेत में मंगरा का मवेशी चल गया था, जिसमें नारायण सिंह मुंडा का फसल बर्बाद होने को लेकर नारायण सिंह और मंगरा हस्सा के बीच कहासुनी हो गया था, जिसके बाद मंगरा हस्सा ने योजनाबद्ध तरीके से अपने अन्य सहयोगियों के साथ नारायण सिंह मुंडा के घर पर हड़िया पीने के बहाने जाकर गेट खुलवाया और उसे गोली मार दिया था, जिसके बाद नारायण सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 सितंबर को एक अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था और आज मंगरा हस्सा और मंगरा पाहन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगरा हस्सा और मंगरा पाहन के पास से एक लोहे का टांगी भी बरामद किया है। बता दें कि नारायण सिंह मुंडा को गोली मारने के बाद धारदार हथियार से उसके गर्दन पर हमला किया गया था और वो हथियार पुलिस ने आज बरामद किया है। इससे पहले गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया था। इस संबंध में DSP अमित कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मामले का उद्भेदन करते हुए पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। दिनांक 6 सितंबर को खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारिदकेल साकेटोली में नारायण सिंह मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही हत्या करने के उपरांत गोली मारने के उपरांत उनके गर्दन पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था। इस संबंध में मृतक के पुत्र सुनील मुंडा द्वारा कांड दर्ज कराया गया था। खूंटी थाना में हत्या का कांड दर्ज कराया गया था। इस कांड में एक खूंटी जिला पुलिस के SP साहब द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। उस गठित टीम द्वारा छापेमारी क्रम में पूर्व में दिनांक 9 तारीख को एक इस कांड के अपराधी सुखराम मुंडा को अवैध अग्निअस्त्र के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिर पुनः कल इस कांड में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम क्रमशः मंगरा हस्सा और फराय हस्सा, उम्र 21 वर्ष, जो कि ग्राम सारिदकेल साकेटोली का रहने वाला है, जो मृतक नारायण सिंह मुंडा का पड़ोसी भी है, और दूसरा व्यक्ति जो है मंगरा पाहन, जो कि इसकी उम्र 20 वर्ष है, जो ग्राम सारिदकेल सिगिन टोला का रहने वाला है। इस संबंध में दो अभियुक्त की और पहचान हुई है, जो अभी तक फिरार है। ये इनके पास से जो लोहे का टांगी बरामद किया गया, जिससे जो धारदार हथियार जिससे खारिज किया गया था गोली मारने के बाद, और इस संबंध में जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि और अनुसंधान क्रम में बात सामने आई है, अभियुक्त द्वारा भी स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है अपना अपराध स्वीकार किया गया। मंगरा हस्सा का पड़ोसी जो मंगरा हस्सा और प्राय मृतक का पड़ोसी था और इनसे बातों बात पर अनबन हुआ करती थी अक्सर। हाँ, इस संबंध में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से काफ़ी एनॉयड थे और अभी पिछले 3-4 दिनों पहले, मृतक घटना के 3-4 दिन पहले भी भेड़ द्वारा जो अभियुक्त है, इसके भेड़ द्वारा जो मृतक है उनके खेत में चढ़ जाने के कारण काफ़ी वाद विवाद हुआ था और इसी तुतुमय के उपरांत ये जो मुख्य अभियुक्त है राय हस्सा अपने सहयोगियों के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत मृतक के घर में रात में लोग गए और दरवाजा खुलवाकर हड़िया मांगने के प्रश्न पर, हड़िया मांगने के सवाल पर दरवाजा खुलवाया गया और खोलने पर मृतक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ में धारदार हथियार से। तो अभी आपने सुना कि DSP अमित कुमार ने इस गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।